बुधवार को मंडी में अखिल भारतीय कमेटी ने सीटों के आह्वान पर पूरे देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कमेटी के सचिव राजेश कुमार ने कहा कि धरने का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय कमेटी के सचिव राजेश कुमार ने बढ़ते हुए प्याज और टमाटर की कीमतों पर केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजेश कुमार ने कहा कि केंद्र की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों और ठेकेदारों के लिए काम कर रही है। इस धरने का आयोजन मुख्यतः ये जो पिछले 3 महीने से लगातार जो है केंद्र की सरकार ने 222 रुपये जो गैस के सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है, और जिसके चलते आम जनता का जो जीना है, आम जनता को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसको महंगाई के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर आप देखें तो जब प्याज का सीजन महाराष्ट्र के अंदर था, किसानों से 1 रुपये किलो के हिसाब से प्याज खरीदा गया, आज वही प्याज मार्केट के अंदर 70 रुपये किलो 80 रुपये किलो के दाम से बेचा जा रहा है। टमाटर खरीदने अगर आप जाएं, टमाटर के दाम 60 रुपये किलो है। जब केंद्र वहाँ बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े कारोबारियों ने, बड़े आढ़तियों ने वो जो प्याज 1 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा, तो बताएं उन्होंने 80 रुपये में उसमें कौन सी बड़ी ऐसी लागत उन्होंने वो कर दी कि वो जो प्याज है वो 80 रुपये किलो के हिसाब से हो गया। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये जो केंद्र की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े सरमायेदारों को, बड़े ठेकेदारों को, बड़े आर्थिक को जो फायदा पहुंचाने के लिए जो तो काम कर रही है, और लगातार जो महंगाई बढ़ रही। राजेश कुमार ने कहा कि जब केंद्र की सरकार बनी थी तो उन्होंने नारा दिया था कि महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन नोटबंदी और GST के चलते 70 लाख लोगों की नौकरियां छीन ली गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी कम करने की जगह महंगाई को बढ़ावा दे रही है। राजेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में जो बिल लाया जा रहा है उसे आम लोगों को नुकसान होगा। जब 3 साल पहले केंद्र की सरकार बनी थी तो सरकार ने नारा दिया था कि महंगाई को कम किया जाएगा, 2 करोड़ नौकरियों को हर वर्ष पैदा किया जाएगा, लेकिन GST के चलते हुए और नोटबंदी के चलते हुए 70 लाख जो नौकरियां सरकारी आंकड़े के मुताबिक 70 लाख लोगों की जो नौकरियां वो छीन ली गई है, 70 लाख लोग जो बेरोजगार हो गए। तो एक ऐसी सरकार है जो लोगों को रोजगार तो दे नहीं रही है, लगातार महंगाई को बढ़ा रही है, और अभी आने वाले दिनों में केंद्र की सरकार वो जो लोकसभा केंद्र बिल को लाने वाली है, जिस बिल के तहत ये होने वाला है जो हमारा बैंकों के अंदर हमारा पैसा है, बैंकों के अंदर हमने जो डिपॉजिट रखा है, जो हमने LIC के अंदर पैसा लगाया है, वो पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा। अगर कल को बैंक दिवालिया हो जाएगा तो उस पैसे के वापस की कोई गारंटी नहीं है, जबकि उससे पहले संविधान की जो धारा 34 है वो सॉवरेनिटी की गारंटी हमारे को देती थी कि अगर LIC के अंदर हमने पैसा लगाया है, LIC कल को दिवालिया हो जाती है, बैंक कल को दिवालिया हो जाता है, तो उस पैसे को वापस करने की गारंटी केंद्र की सरकार की है, है ना, वो केंद्र की सरकार उसको वापस करेगी। लेकिन वो सरकार अब उस बिल को लाने जा रही है, अगर बैंक कल को बैंकक्रप्ट हो जाएगा, दिवालिया घोषित हो जाएगा, तो दिवाली उस बैंक से हमारा जो पैसा है वो हमारे को वापस नहीं मिलेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में महंगाई को कम नहीं किया गया तो अखिल भारतीय कमेटी पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। आने वाले दिनों में महंगाई की मार अगर कम नहीं हुई है होती है तो अखिल भारतीय कमेटी सीटू की जो भी तय करेगी उस कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हिमाचल प्रदेश की जो कमेटी है और मंडी जिला की जो कमेटी है इस आंदोलन को तेज करेगी। उस पूरे आंदोलन की जो जिम्मेदारी है डेफिनेट तौर पर केंद्र की सरकार की होगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।